उसके बाद ये होते है कि ऑर्बिटल सेलोलाइटिस डज नॉट कॉज मोबिलिटी मोटिलिटी डिस्टर्बेंस करता है ये तो ठीक है तो ये फॉल्स है फ्रीकुंटली कॉजिज इंट्रा क्रेनियल इन्फेक्शन इन द चिल्ड्रन ठीक है और फ्रीकुंटली hmm, तो नहीं करता वैसे ट्रीट कर लेते हैं एजेंडा माइसिन इज एन एंटी अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक इसकी जो बुक में एंटीबायोटिक्स लिखी हुई हैं वो उन्होंने बताई हुई हैं कि इसमें हम देते हैं वेनकोमाइसिन सेप्टेजीम सेप्रोफ्लॉक्सोसिन मेट्रोनीटस ठीक है तो एज अ होल इसमें कहीं भी मुझे नहीं नजर आया क्या जेंटा माइसिन ठीक है और जेंटा uh, माइसिन हम इसमें नहीं दे रहे उसके बाद इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉज्ड बाय द साइनस इन्फेक्शन इज यूजली नॉट कम्पलेट बाई फीवर अब फीवर तो इसमें होता है अब इसके काजेज़ में हमने चेक किया था ना इसके काजेज़ में कि साइनसाइटिस के बाद ही हो जाता है तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो साइनस इन्फेक्शन होता है उसके बाद ही होता होता है मैनेजमेंट ऑफ द केस ऑफ सस्पेक्टेड इंट्राकुलर फॉरन बॉडी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट इंट्रोकुलर फॉरेन बॉडी के लिए हम जो करते हैं वो हम देख लेते हैं अपनी तो बुक पे खोल लें इंट्रॉकुलर फॉरेन बॉडी का ठीक है उसमें हमने क्या किया होगा सबसे पहले हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं इंट्रोकुलर फॉरेन बॉडी हिस्ट्री लेते हैं एग्जामिनेशन करते हैं एग्जामिनेशन में विजुअल एक्ट चेक करते हैं एक्सल एक्सिट और एंट्री का साइड देखते हैं कि कहाँ से निकली कहाँ गई और इंटीरियर सेगमेंट को देखते हैं फंडस एग्ज़ामिनेशन अगर पॉसिबल हो तो करते हैं फिर हम लोकलाइजेशन करते हैं लोकलाइजेशन के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं स्लिट लैंप एग्जामिनेशन गोनियोस्कोपी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ थेलमोस्कोप यूज़ करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड्स में हम क्या कर रहे होते हैं हम प्लेन एक्सरे लेते हैं ऑर्बिट का और प्लेन एक्सरे रे लेते हैं हम और इसके बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें हम ए और बी स्कैन करते हैं मोस्टली ग्लास फॉरन बॉडी को देखने के लिए अब ठीक है और सी टी स्कैन हम करते हैं जो कि एक्चुअली होता है हमें साइज़ शेप वगैरह का बताता है और एम हम बिल्कुल भी नहीं करते मैंने आपको बताया था कि मेटालिक फॉर्न बॉडी जो होती है उसमें हम एम नहीं करते ठीक है मतलब कि अगर मेटालिक फॉर्न बॉडी हो तो ऐसा होल अगर हम देखें तो ए स्कैन भी हम कर रहे हैं बी स्कैन भी हम कर रहे हैं ठीक है वी आर डूइंग द ए स्कैन एंड बी स्कैन अल्ट्रासाउंड ऑफ द आई और उसके बाद हम सी स्कैन जो है वो भी हम कर रहे हैं जो कि हमें साइज शेप एंड लोकेशन बताएगा फॉरन बॉडी की और एक्स रेस कल भी हम कर रहे हैं तो एम हम नहीं कर रहे ठीक है तो ये हम नहीं करते होते पलसेटिंग सीने नहीं हमने देख लिया था कि इट इज प्रेजेंट ना एट्रियोन एनोरेजन अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनोग्राफी इज हेल्पफुल इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ ये अल्ट्रासाउंड हमें क्या बताता है इट इज़ हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ थायरॉयड ऑफ थर्मोपैथी मतलब ऑफ थर्मोपैथी में देखिए सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन उपलेयर में तो हम फंडोस्कोप से देख लेते हैं ना और रेटिनाइटिस पिगमेंटोस हमें फंडोस्कोपी में देख लेते हैं वैक्सीन है, हो है, और ड्यूल्स होते हैं अटैनोट ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं ठीक है और पिगमेंटेड होती हैं हमारी शीत हुई होती है न? के अगेंस्ट और इसके अलावा सब क्रिस्ट क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है उसको भी हम एसच जो है आ, नहीं देखते इसे ठीक है थायरॉयड और थैलमोपैथी की अगर बात करें तो सबलेग्जीटेड सब हो गया उसके बाद जो थायरॉयड है ना उसको ज़रा हम देख लेते हैं अपना थायरॉयड वाला निकाल लें जरा ऑर्बिट के चैप्टर में से लिया गया है थायरॉयड के लिए हम जो इन्वेस्टिगेशंस करते होते हैं उसमें उन्होंने बताया हुआ कि हम थायरॉयड फंक्शन टेस्ट करते हैं टी एस एच टी थ्री और टी फोर के लेवल चेक करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक चेक करते हैं और अल्ट्रासाउंड और सी टी स्कैन और एम आर आई करते हैं ऑकुलियर मसल इन्वॉल्वमेंट के लिए तो अल्ट्रासाउंड हमने किया ऑकुलियर मसल्स को देखने के लिए तो थायरॉड ऑफ थेमोपैथी इसका आंसर होगा अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ यूनिटरल प्रोप्रोसिस व्हिच वाज कंप्रेसिबल एंड इंक्रीजेस ऑन बेंडिंग फॉरवर्ड ठीक है नो थ्रिल और ब्र वाज वॉज प्रजेंट एंड एम आर आई शोज़ रेट्रो ऑर्बिटल मैस विद विद इन्हांसमेंट ठीक है तो इट इज़ वॉट अब आपने प्रोप्टोसिस में जो है ना एक देखा होगा कि हम चेंज इन साइज नोट करते हैं प्रोपटोसिस का उस एग्जामिनेशन के दौरान ठीक है और उसमें हमने देखा था कि ऑर्बिटल जो वेराइसीज़ होती हैं उनमें जो प्रोप्टोसिस होता है उसका साइज चेंज होता है तो दैट इज़ एक्चुअली द ऑर्बिटल वेयर एक्स ठीक है तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो उसको यूनिलेटरल प्रोटोसिस हुआ होता है और जैसे ही वो आगे की तरफ बैंड करता है तो उसकी जो प्रोक्टोसिस है वो आगे की तरफ़ ज़्यादा हो जाती है ठीक है साइज़ ऑफ प्रोटोसिस चेंज होता है तो इसमें एज जो है वो उस तरह से एमर आई पर हमें जो है रेड्रो ऑर्बिटल मास मिलता है मीनस के आई के पीछे कोई मास मिल रहा होता है जो कि इन्हांस कर रहा होता है बस इसमें आपने हमेशा से ये याद रखना ऑर्बिटल वेरेसिस में कि ऑर्बिटल वेरेसिस में एक्चुअली हमें जो है वो प्रोटोसिस का साइज़ चेंज हुआ मिलेगा तो विच वॉज कंप्रेसिबल एंड इंक्रीजेज़ प्रो प्रोसेस जो है वो बेडनिंग पॉवर से इंक्रीज़ हो रही है मीन साइज ऑफ़ प्रोसेस चेंज हो रहा है ठीक हो क्या लिट री ट्रेक्शन इज करेक्टरिस्टिक साइन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस उसके बाद ये ये पटे अच्छा हुआ क्या है कि सेवेंटी ईयर्स ओल्ड हाइपर टेंसिव लेडी है और स्वियर हेड एक कन्फ्यूजन है उसको उसका बी पी जो है वो ज़्यादा हुआ, हुआ हुआ है उसको रिकोगनाइज़ नहीं कर पा रही अच्छा उसके बाद क्या हुआ है उसको रेड नैक रेजिडिटी हो गई है टेम्परेचर से शुरू हो गया राइट right प्यूपल उसका सेमी डायरेटेड है ठीक है सेमी डायलेटेड है मीन्स वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा ठीक है डायरेटिड है और आ, क्या है कि एक घंटे के बाद उसको राइट right टोसिस होना शुरू हो गया ठीक है मीन्स उसका लिवेटर मसल खराब हो रहा है उसके बाद क्या है लिफ्टिंग ऑन द लिफ्टिंग ऑफ द आईलिट अच्छा उसकी क्या right eye हो रही है राइट आई जो है वो एबडक्ट हो रही है एबडक्ट मीन्स कि वो अब जो है अपनी जो आई है उसको एडक्ट नहीं कर पा रही ना एबडक्टेड है फिर ए, एक घंटे बाद वो में वो कोमा में चली जाती है तो आराम एंड अनकॉम्प्लिकेटेड रिपीटेड लंबर पंक्चर रिवील्स न्यूमरस आर बी इन द सी एस एफ द लाइकली डायग्नोसिस इन इज़ एन एक्सपेंडिंग एंड लीकिंग एलोरिज्म इन मतलब कि अब क्या है एक वहाँ पे एनोरिज्म बना हुआ है जो एक्सपैंड कर रहा है लीक कर रहा है और एज एजा होल जो है ये हमारे होगा इंटरपडेंगुलर फोसा इंटरपेडेंगुलर फोसा जो होता है इसमें एक्चुअली वी हैव द ऑकुल मोटर नर्व आपने पढ़ा होगा कि मिड ब्रेन में ये इंटरपेट इंटरपेडेंगुलर फोसा होता है वहाँ पर ऑकुलो मोटर नर्व होती है और ये हमारे uh, इसकी अगर पैरालिसिस हो जाए तो पेशेंट की आँख जो है वो टोसिस में चली जाती है मिड हो जाती है उसकी और वो उसका स्विंगटर मसल खराब हो जाता है तो वो मिड डायलेटेड में चला जाएगा ठीक है इस तरह से इसका ये कॉज होगा फोर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है और बॉयल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ टू डेज लेटर ही प्रजेंट द पेन की मोसिस डिक्रीज रिशन हेड एक नोजिया वामिटिंग विजअल काउंटिंग फिंगर्स तक रह गई है लेफ्ट आई मूवमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन ऑल एजेस नमनेस इन द अपर डिवीजन ऑफ दिफ्थ नर्व लेफ्ट पीपल इज मेड डायलेटेड एंड द आर ए पी डी इज प्रेजेंट ऑन पेंडोस्कोपी लेफ्ट ऑप्टिक नर्व इज़ फॉलन ठीक है और उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वन वन है आफ्टर टू आवर्स द राइट आई डेवलप सिमिलर फीचर्स मीन्स के पहले वो यूनिटरल था और बाद में बाइलेटरल हो गया डाइबिटिक है ठीक है उसके नोज़ में कोई इन्फेक्शन था और दो दिन बाद जो है उसको पेन के मॉसिस डिक्रीज भी हैं लेफ्ट आई में स्टार्ट हो गई हेडेक वो वॉम नोज वामिटिंग स्टार्ट हो गई विजुअल एक्टिविटी उसकी इतनी कम हो गई है देखें लेफ्ट आई मूवमेंट्स उसकी रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं मीन्स मसल्स मूव नहीं कर रहे उसके और फिफ्थ नर्व भी चली गई है ठीक है और मेड डायरेटेड हो गया पीपल और आड़े डी हो गया तो ऑप्टिक नर्व जो है उसकी सोलन है उसके बाद उसका टम्परेचर है और ये सारा कुछ डेवलप हो रहा है तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि साइनस वेरनेसाइनबोसिस कैसे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के इसमें फीचर्स आ रहे हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के आंख पे पेन के मॉसिस वगैरह है ठीक है कंजक्टिवल फीवर नहीं हो सकता प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस नहीं हो सकता टोलोसो तो हंड लेकिन ऑर्बिटल सेलोइटर प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस में एज सच आ, वो नहीं होता क्या ना मैं आपके ये जो आ रहा है इनको हॉड हेड डेगनोजा वॉमिटिंग इस तरह के फीचर्स और वो यूनिट्रल मोस्टली होता है और ये जो है सच उस तरह के नहीं आएगा प्री सेट्रल सेटस भी नहीं है कि वरना साइनस प्रोसेस में सारे फ़ीचर्स जा रहे हैं वो कैसे कि पेशेंट जो है उसको आँख के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जो आपने आँख देखी होगी कि अवेयरनेस साइनस में की और पहले वो यूनिरेट्रल थी बायलेटल हो गया नॉजिए वॉमिटिंग हेड के साथ आ रहा है पेशेंट उसकी विजन एकदम से सारी चलेगी और उसके मसल्स पैरालीज होना शुरू हो गए मेन चीज़ ठीक है मसल्स पैरालेइज होना शुरू हो गए फिफ्थ नर्व की इन्वॉलमेंट हो गई है ठीक है तो ये और ये एक अवेयरनेस साइनस जो है वो होगा चाइल्ड हैज़ रिकरेंट एपिसोड ऑफ राइट एयर एक एंड डिस्चार्ज अलॉन्ग द फीवर फॉर लास्ट वन ईयर फॉर लास्ट टू डेज ही हैल्थ डेवलप एप्सिलेटरल पैरी ऑर्बिटल पेन एक साइड की उसको की पेन है एप्सिलेट्री फेलियर है एबडक्शन क्या मतलब एबडक्ट नहीं कर सकता मीन्स दैट उसकी जो है आँख लैटरल रैक्टिस में मसला होगा ठीक है इप्सिलेटरल वीकनिंग ऑफ द फेशियल मसल द मोस्ट लाइकली साइट ऑफ इन्फेक्शन इज और अच्छा अब ये अब ये देखेंगे उसको ये राइट साइज में प्रॉब्लम है ना राइट ईयर एक है डिस्चार्ज है फीवर है और इप्सिलेट्रल पेरी ऑर्बिटल पेन एप्सिलेटरल फेलियर तो ये जो कान का सारा इन्फेक्शन चल रहा है ना एक्चुअली राइट ईयर एक डिस्चार्ज और फीवर ये सारा टेम्पोरल साइड पे होगा ठीक है तो ये होता है उसके बाद आ, आता है फोर्टीन ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इज रिव्यूड सेवन डेज आफ्टर डेवलपिंग ट्रामेटिक हाईफीमिया सेकेंडरी टू प्लान ट्रामा वाइल्ड प्लेइंग स्क्वैश हज विजुअल एक्टिविटीज पीपल रिफ्लेक्सेस आर नॉर्मल स्लिट लैंप एग्जामिनेशन डज नॉट रिवील एनी एबनॉर्मेलिटी इट इज मैंडेटरी टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट काउंसलिंग रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ सेफ्टी गोबल्स ठीक है ट्रामेटिक हाई फीमिया हुआ है तो उसमें हमने क्या करना होता है ट्रोमेटिक uh, ट्रामा की वजह से उसकी जो इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई है उसमें ब्लड आ गया ठीक है सिंपल सी बात है और uh, उसकी जो एक विजुअल एक्टिविटीज वगैरह सब कुछ नॉर्मल है और लैब लैब इन्वेस्ट इन, स्लिप एंड एग्जामिनेशन में भी कोई और प्रॉब्लम नजर नहीं आई ठीक है तो अब हमने क्या करना है आ, हमने पेशेंट को जो है काउंसिल करना है कि आप सेफ्टी गॉगल्स पहने इंट्रोकुलर प्रेशर अपना चेक करते रहें इनडायरेक्ट ऑफ थर्मोस्कोपी विद स्केलर, आ, स्केलर आ, स्केलरल मीन स्कैलैरल और गोनियोस्कोपी ये हम करेंगे फीमिया की जो है क्लिनिकल फीचर्स उसमें ये होता है ना विजुअल एक्विटी कम होती है पुअर पीपल रेक्टिविटी होती है और इंट्राकुलर प्रेशर रेज़ हो सकता है और ब्लड हमें इंटीरियर चैमरा में नज़र आता है तो इंट्रॉकुलर प्रेशर रेज़ हो सकता है पेशेंट का तो हमने क्योंकि हाईफीमिया का जो एक होता है कॉम्प्लिकेशन uh, वो ये भी होती है ना कि सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है तो हमने चेक करना है पेशेंट को हाईफीमिया की वजह से कोई इंट्रोकुलर प्रेशर उसका चेक करना है ठीक है इंट्राकुलर प्रेशर हमें उसका चेक करना है सेफ़्टी गॉगल्स पहनने ने सेफ़्टी गॉगल्स का ये होता है ना कि वो बाहर से कोई मतलब नहीं होता अंदर लिंकेज ठीक हो गया और ऑफथेमोस्कोपी भी हमने करनी है स्लेट लैम्प से तो हमने देख लिया ऑफथेमोस्कोपी से हम देखेंगे कि इस के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई और एस सच गोनीस्कोपी भी हम करेंगे उसके जो ब्लॉक चेक करने के लिए कि कहीं एंगल को ब्लॉक तो नहीं हुआ हुआ ग्लूकोज ग्लोकोमा वगैरह के लिए ठीक है तो इंट्रा प्रेशर चेक किया गोनियोस्कोपी ये तो ये तो हमने के लिए चेक कर लिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑफ थेलमोस्कोपी हमने कर ली गोगल्स वग़ैरह कर लिए लेकिन हमने हाइफीमिया के बाद ये नहीं होता कि हमने पेशेंट को जाने देना होता है ठीक है हमने उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है ठीक हो क्या हाइफीमिया को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है और उसकी ट्रीटमेंट हमने करनी होती है ट्रीटमेंट हमने इस तरह से करनी होती है ना कि उसकी जो है डिपेंडिंग अपॉन के उसको प्रिवेंट करने के लिए जो उसकी कॉम्प्लिकेशनस आए फेमिया की ठीक है तो उसके लिए का हमें ट्रीटमेंट वगैरह करनी होती है जिसमें हम जो है मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे होते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन द केमिकल इंजरी इज़ स्लैन इंडिगेशन मैंने आपको पढ़ाया था पढ़ाया था तो केमिकल इंजरी में मैंने बताया था कि सबसे पहले हमने पानी शानी फेंक के उसको ठीक करना होता है जब भी किसी की आंख में कोई केमिकल इंजरी हो जाए ठीक है फिफ्टी फाइव ईयर्स ओल्ड मैन इज फाउंड टू हैव नॉर्मल विजुअल एक्टिविटी एंड नॉर्मल इंट्राकलर प्रेशर्स लेकिन उसको क्या है बायोलेट्रल ऑप्टिक डिस्क कपिंग है और ऑटोमेटेड विजुअल फील्ड एनालिसिस शो बायोलेट्रल और स्कोटोमास ठीक है और एंटीरियर सेगमेंट्स एंड एंडीने आर अदरवाइज नॉर्मल तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा तो पेशेंट जो है उसके नॉर्मल विजुअल एक्विटी है नॉर्मल इंटराकुलर प्रेशर्स हैं लेकिन उनके साथ साथ उनको क्या है ऑप्टिक डिस्क की कपिंग चल रही है ठीक है और विजुअल फील्ड एनालिसिस में हमें आर्कोइड कोटोमाज़ मिल रहे हैं ठीक हो गया तो एंटीरियर स्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी में ऐसा जिस तरह के स्कोटोमास वगैरह नहीं मिल रहे होते ऑकुल्यो हाइपरटेंशन में भी नहीं मिल रहे होते मैकुलर एडिमा में भी नहीं मिल रहे होते इस तरह की कोई चीज़ ठीक है रेटिनल डिटैचमेंट में भी नहीं मिल रही होती ठीक है और नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा में क्या होता है इंट्रोकुलर प्रेशर पेशेंट का ठीक होता है लेकिन उसको ग्लोकोमा के पीछे सारे साइंस होते हैं जब हम देखते हैं तो दिस तीसरी चीज़ है नॉमोटेंसिव ग्लोकोमा ठीक है और सेवेंटी ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन विजिट्स एन ऑप्टोमेट्रिस्ट फॉर अ रूटीन रिफ्रेक्टिव चेक उसका जो विजुअल एक्विटी है वो सिक्स बाई सिक्स है और रिफ्रैक्टिव एरर उसका क्या है माइनस फोर डाई ऑप्टर फो थाइस ठीक है इस इंट्रॉकुलर प्रेशर्स जो थे वो ट्वेंटी सेवन था मतलब कि ज़्यादा हुआ हुआ है प्रेशर और आर ए बी डिप्रेजेंट नहीं है ऑप्टिक डिस्क जो है वो नॉर्मल है और विजुअल वीजु, विजुअल जो है फील्ड कोई डिफेक्ट नहीं है ठीक है तो क्या हुआ हुआ है उसको हमने क्या देखा कि जेंटलमैन विजिट्स फॉर द रूटीन रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन चेक तो माओपेटिक मायोपिक डी जेनरेशन ऑफ डीना जो है वो नहीं हो सकता और इसके अलावा प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा और सेकेंडरी ग्लोकोमा भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑप्टिक डिस्क बिल्कुल नॉर्मल चल रही है विजुअल फील्ड डिफेक्ट भी कोई नहीं है जबकि ग्लोकोमा में वी हैव द विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स और वी हैव द ऑप्टिक डिस्क जो है वो हमें नॉर्मल नहीं मिलते नॉर्मल टेंसिव तो है उन्होंने दिखाया ही नहीं हुआ और और नॉर्मल टेंसिव हो भी नहीं सकता क्योंकि इंट्रोकुलर इन, प्रेशर राइज हुए हुए हैं ठीक है और सूडो एक्सफोलिएटिव लोकोमा जो होता है ये एक्चुअली लेंस के मटेरियल से होता है तो ये भी नहीं हो सकता तो ऑक्यलर हाइपर टेंशन होगा मीन्स के ऑकिलर जो इंट्रोकुलर इन, प्रेशर वो ज़्यादा हुआ हुआ है और दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ द माओपिया ठीक है माओपिया की वजह से हुआ हुआ है माओपिया में आईबॉल छोटा हो जाता है ना तो उससे अच्छा उसके बाद थर्टी ईयर्स ओल्ड मैन एक्सीडेंटली स्पलैश इज इज़ आइज़ विद अ फ्रेश मेड सोल्यूशन ऑफ क्विक लाइम मतलब उसने अंदर बेस फेंक लिया फोटोफोबिक है कैनॉट ओपन हीज आई प्रॉपरली ही प्रजेंट टू यू इन द बच यू वे यू आर वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर तो अब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आप उसको क्या याद हो गए मैंने पहले भी बताया कि नॉर्मल से लाइन से सारा धोना है आइज़ को ब्लॉड एक्सप्रेशर दो कॉमन बोन टू तो फ्रैक्चर मैंने आपको पढ़ाते तो हुए भी बताई थी कि रूफ ऑर्बिटल फ्लोर ज़्यादा फ्रैक्चर होता है मैगजिलरी ठीक है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोपटोसिस जो होती है वो क्या होती है ऑर्बिटल हेमरेज इन्फेक्शन ट्यूमर शूटो ट्यूमर या थायरॉयड तो ऑब्वियसली थायरॉयड है ठीक है मोस्ट कॉमन उसके बाद पेशेंट हैप्ल ट्रामा विद अ टेनिस बॉल हाइफीमिया हो गया और हाइफीमिया क्या होता है मैंने आपको बताया था ब्लड इन द इंटीरियर चैम्बर ठीक है फिर चाइल्ड हैज़ द रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ राइट ईयर ए कैन डिस्चार्ज और फीवर है उसे ठीक है राइट कान आन के दर्द है फॉर लास्ट टू डेज ही हेज डिवेल्प इप्सिलेटरल पेरी ऑर्बिटल पेन इप्सीटरल फेलियर ऑफ एबडक्शन ऑफ द राइट आई एंड एप्सीटरल वीकनेसिस ऑफ द ये हमने पहले भी कर लिया टेम्पोरल बोन यंग मैन विद प्रिजेंट्सली कीमोसिस आई कंजाइल प्रोप्रोसिस और ये हमने पहले भी किया था आई थिंक नहीं पल्सीटाइल प्रोप्रोसिस है हाँ पल्सीटाइल प्रोप्रोसेस हमने किया था ठीक है तो इसमें जो है रूट एंड द्रिल थ्रिल इन द आई है ही इज़ हैविंग स्लाइड प्रोक्टोसिस ठीक है ऑल्सो इन द सेम आई ही गिवस हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी ठीक है तो ये मैंने बताया था कि जब भी पल्सटाइल प्रोक्टोसिस होगी तो उसमें वी हैव द एक्चुअली दिस्टुला ठीक है तो ये होगा वेराइसिस में हमने देखा था कि प्रोक्टोसिस में साइज चेंज हो रहा होता है ठीक हो क्या और uh, बाकी नहीं हो सकते जब ये रहता है हमारे पास फोर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड फिस्टुला भी हो सकता है एनरिजम भी हो सकता है ठीक हो गया फोर्टी फाइव ईयस ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है और उसका हीमोग्लोबिन जो है वो आपको इतना मिल रहा है डिवेल्प्स अ बॉयल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नोज और ये सारा उसकी तरफ जाना है अब देखना पेन की मोसिस डिक्रीज विजन लेफ्ट आई में उस हेड एक नोज है वॉमिटिंग ठीक है और रिविजन उसकी एकदम से कम हो गई है रिस्ट्रिक्शन ऑफ विजन हो गई है फिफ्ट ईयर सारा पुराना वाला ही है बीक कम ये पुराने वाला ही है

अच्छा स्टिवन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है हैं इसका दूसरा नाम होता है एरिथमा मल्टीफॉर्म टॉक्सिक एपिडर्मल एंड ये एंड पे जाकर होता है अब होता क्या है इसमें कि एक्चुअली इस कोई भी मेडिकेशन कोई भी हम दवाई लेते हैं कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके रिजल्ट में हमारी स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में जो है वेजिकल्स और बुल्ले बुल्ले बनना शुरू हो जाते हैं ठीक है अब इसकी तीन टाइप्स होती हैं मेजर मेजर होता है माइनर होता है और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस होती है मेजर में क्या हो रहा होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ब्रेन इन्वॉल्व होती है माइनर में सिर्फ स्किन इन्वॉल्व होती है और एपिडर्मल नेक्रोलॉसिसिस इसका मोस्ट रेयर फॉर्म होती है अब इसकी कॉज क्या होती है कोई भी ड्रग की एलर्जी हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फोनामाइड्स पैरसिटामोल एंटी कन्वर्लियट्स ठीक है यहाँ कोई इन्फेक्शन हो सकता है लाइक हर सिम्प्लेक्स का या एडीनो वायरस या माइको प्लाज्मा नमोनिया या स्टेप्टोकोकाई का ठीक है और उसके जैसे इम्यून कॉम्पलेक्सेज वग़ैरह स्टार्ट हो जाते हैं बनने और क्लिनिकल फीचर में ये होता है कि इसमें फ़ीवर थ्रेलजिया में मलेस पर ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसमें होते हैं इसके साथ मतलब पेशेंट आ रहा होता है अगर उसको इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है और ज़्यादातर ये चिल्ड्रन और अडल्ट होता है फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं ठीक है उसके बाद ये होता है कि ऑकुलर सिम्टम्स इसमें यह होते हैं कि वॉटरिंग होती है फोटोफोबिया रेडनेस क्रिटीनस होती है पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस होता है इसमें कंजस्टाइवल मेम्ब्रेन और शूडो मेम्ब्रेन्स बनती हैं कैराटोपैथी होती है पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन सेकेंडरी बैक्टीरियल कैराटाइटिस होता है हेमरेजिक क्रस्टिंग होती है सिस्टमिक साइंस में क्या आ रहा है कि बुल्ले बन रहे हैं और बॉडी पे टारगेट लियंस जो कि मैंने आपको बताई थी आई थिंक बताई हुई थी ये टारगेट लियन्स इसकी स्पेसिफिक होती है जैसे हैं जैसे कि आपको नजर आ रही हैं मैकलोपर्पुलर उसके बुल्लेस लियंस होती हैं मूकस मेम्रेन इसकी सारी इन्वॉलॉल्व हो रही होती है वहाँ पर सूडो मेब्रेनस बन रही होती हैं एज अ होल और औकल कॉम्प्लिकेशन्स क्या होती हैं इसकी कि वहाँ पर इसकीटराइजेशन होती है वॉटरिंग आइज होती है ड्राई आइज होती हैं क्रटनाइजेशन ट्रिकेसिस एंट्रोपियन ट्रीटमेंट इसका सपॉर्टिव होता है आर्टिफिशियल टीयर्स एंटीबायोटिक्स टीरोइड्स और साइक्लोप्लेजिक्स हैं और सिम्बलेक्न को ख़त्म करना है एमरोटिक मेम्रेन ट्रांसप्लान स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स मतलब कि एज अ होल देखें कि पेशेंट को सर दिए गए थे यूटियाइज के लिए उसके बाद उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हेमरोजिक क्रस्टिंग शुरू हो गई लैड मार्जिन से ब्लिस्टरिंग स्टार्ट हो गई हेमरजिक क्रस्टिंग होना शुरू होगी लिप्स पे बुलेस लियन्स बनना शुरू होगी आर एक्चुअली द टारगेट लियंस जो इसमें स्पेसिफिक होती हैं सो ये सारा डायग्नोसिस आपका स्टीवन जॉनसन की तरफ जा रहा है लेबर इज़ ब्रॉट टू द एमरजेंसी वेज सस्टेन लेफ्ट आई इंजरी हैमरिंग के करते वक्त हो गई उसको लेफ्ट आई उसकी रेड है कॉर्नियस कार्ड हमें नज़र आ रहा है थ्री ओ क्लॉक पोजीशन में दज ब्लड इथ इंटीरियर चैम्बर ट्रोमेटिक कैटेराइट लेकिन फंडस विजिबल नहीं है वट विल यू डू इमिजिएटली टू एक्सक्लूड एन इंट्रोकुलर फॉरन बॉडी तो इंट्रोकुलर फॉरन बॉडी को एक्सक्लूड करने के लिए आप क्या करोगे आप एक्सरे करवाओगे लेफ्ट ऑर्बिट एंड ए पी ए पी एंड इंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल व्यू ठीक है तो इसमें आप आपने जो है इसमें इंट्रोकुलर प्रेशर तो नहीं आप देखोगे ना करने के लिए इंट्रोकुलर फॉर बॉडी को एम तो आप ऐसे नहीं करते होते इसमें मेटालिक ना हो जाए कहीं और अल्ट्रासाउंड भी आप ऐसा जो है वो उसकी लोकेशन नहीं आप फाइंड कर सकते ना एग्जैक्ट और जो है उसको एग्जैक्टली आपने फ़ाइंड करने के वैसे सी भी होता है लेकिन इन्होंने एक्स रे लिखा हुआ है एक्स रे और मैंने आपको बताया था कि ए स्कैन मोस्टली आपको जो है एक्स लेंथ बताता है और जो बी स्कैन होता है वो आपको एक्चुअली लोकेशन uh, बता सकता है ठीक है लेकिन ए स्कैन है सच नहीं बता सकता और एक्स रे इसका प्रॉपर आंसर होगा अगर वो सी टी स्कैन देते हैं तो ऑब्वियसली वो भी हेल्पफुल होगा इसके लिए ठीक है बेस्ट एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ द एल्फ्ले बर्न एट द साइट ऑफ इंजरी हमने बहुत दफ़ा कर लिया है कि इसमें हम 20 से 30 मिनट तक आई को जो है वो पानी के साथ साफ़ करते हैं टेन ईयर ओल्ड बॉय वॉज हिट ऑन द राइट आई विद द बॉल वाइल प्लेइंग द क्रिकेट ही इज़ ब्रॉड टू द ओ पी डी विद द कम्प्लेन्ट्स ऑफ डिप्लोपिया ब्लैक एंड संकेन आई ऑन एग्जामिशन उसकी आई रेड सॉलन है रेड आई संकेन है आई मूवमेंट्स उसकी रिस्ट्रिक्टेड है इन द अप गेज तो अब इसका कॉज ऑफ डिप्लोपिया क्या होगा तो ये सारा जो है ना प्लेइंग क्रिकेट बॉल लग गया डिप्लोपिया शुरू हो गया और संकेन आई है मतलब कि नॉफ थर्मोस हुआ वह अंदर गई हुई आई और जो है सॉलन है आई मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्टेड है अप गेज में और डिप्लोपिया भी पेशेंट को हो रहा है तो ये जो है ना सारा आपकी तरफ जा रहा है ये हमारे जो है आउट फ्रैक्चर में ना और उसमें हमने देखा था कि आउट फ्रैक्चर में एक्चुअली जो मोस्ट कॉमन होता है ऑर्बिटल फ्लोर फ्रैक्चर होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की आंख अंदर की तरफ चली जाती है और उसको डिप्लोपिया होता है ठीक है मैकेनिकल प्रेजेंटेशन विद हिस्ट्री ऑफ ट्रामो वाइल अ चीजल विजुअल एक्टिविटी वॉज परसेप्शन ऑफ द लाइट हज फंडस व्यू वॉज नॉट क्लियर ऑन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ टेलोस्कोपी एक्सरे ऑर्बिटर हमने किया तो हमें इन चॉकलेट फॉरन बॉडी मिली मोस्ट प्रोबेबली आयरन मिला ठीक है इंट्रोकुलर फॉरन बॉडी इज नॉट रिमूवड अगर तो उसे आयरन उसका रिमूव नहीं करते तो क्या होगा आयरन की वजह से ड्रॉसिस होगा ठीक है आयरन की वजह से ड्रॉसिस हो जाता है आयरन का रिएक्शन होता है ये प्रॉपर तो इसका बी आंसर होगा बी ही है ना hmm. से ड्रॉसिस अगर ये कॉपर होगा तो चल कॉसिस हो जाएगा सिंपल सी बात है अच्छा उसके बाद आता है फिफ्टी ईयर्स ओल्ड रिसर्च ऑफिसर इन द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विजिट्स एंड ऑफमोलोलॉजिट फॉर द रूटीन रिफ्रैक्टिव चेकअप तो उसमें क्या हो रहा है कि उनको मायोपिया मिल रहा है माइनस वन डाओप्टस का इंटराकुलर प्रेशर उसका जो है वो ट्वेंटी सेवन मेरी मेटोमाक्री है दोनों आंखों का आर नहीं है ये सारा हमने पहले भी सॉल्व किया ऑकुलर हाइपर टेंशन है ठीक uh, है जिसमें एक्चुअली आपको इंट्रोकुलर प्रेशर वगैरह सब कुछ इंट्रोकुलर uh, प्रेशर मिल रहा है आर नहीं मिल रहा और uh, आपको जो है कोई विजुअल डिफेक्ट वगैरह ऑप्टिक डिस्क नॉर्मल मिल रही है मीन्स को ग्लोम्लोकोमाइज का नहीं है बस ऑकुलर हाइपर टेंशन हुई है माओपिक ठीक हो गया पिशावर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज हिट इन द राइट आई विद टेनिस बॉल इकमोस हो गया उसको और डबल uh, विजन हो रही है उसे नमनेस हो गई है ये इंफ्रा ऑर्बिट नर्व में नोफ थेमोस हो गया तो पोस्ट ट्रामेटिक डबल विजन का क्या है ब्लो ऑर फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट ठीक है ब्लोआर फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट में यही होता है ना सारा आंख अंदर की तरफ चली जाती है डबल विजन होती है और uh, जो है और नम्बनस होती है नीचे फ्लोर में जब इंट्रो इंट्रोर्बिटल में फ्रैक्चर होती है फ्रैक्चर कह रही हूँ उसके ऊपर जब इंजरी होती है तो नम्बनस फील होती है ठीक है नमनेस हो जाती है आयरनस में थेमरिंग आयरन बॉर्ड बार और ये देखें सारा इन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है तो इतना बड़ा अच्छा चलो इसको कर लेते हैं इसमें इन्होंने दरअसल मैं इसको पढ़ती हूँ फिर आपको बताती हूँ वेट इन सब में जो है ना इन्होंने आयरन का लिखा हुआ है कि आयरन उसकी आंख में चला गया ठीक है अब वो कह रहे हैं कि आपने कौन सी नहीं करनी ठीक है तो आपको पता है कि एम आप नहीं करते मेटेलिक फॉरन बॉडीज़ के लिए बाकी आप कर सकते हो बी स्कैन है एक्सरे और थर्मोस्कोपी और सी स्कैन इसको भी पढ़ लेती हूँ मैं थर्टी ईयर्स मेटल वर्कर है उसको ट्रॉमा हुआ राइट साइड पे मेटल रॉड से अब क्या हुआ कॉर्निया उसका रपच्चर हो गया आयरस उसका प्रोलैप्स हो गया अंडर जनरल नस्तीसिया उसको सर्जरी की गई आयरन को जो है आयरिस इज साइज एंड कॉर्नल वो इज़ रिपेयरड विध सूचर्स थोड़ी देर बाद क्या हुआ उसे पेन शुरू हो गई फ्लोटर्स वगैरह शुरू हो गए फोटोफोबिया शुरू हो गया एग्जामिनेशन पर हमें विजुअल एफिटी कम मिली इंट्रोकुलर प्रेशर सही थे हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिले एंटीरियर चैम्बर में और विट्रस और कुराइडन नोड्यूल्स मिले और कॉर्नल एंडोथीलीम के ऊपर इंट्रा इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं वो डिपॉजिट हुए हुए थे ठीक है और कॉर्नियल स्टेनिंग नहीं है तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी अच्छा मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इसकी क्या होगी तो इसमें आप देखें इंजरी उसको राइट साइड पे हो रही है और सर्जरी के बाद उसको जो लेफ्ट आई में काम खराब हो रहा है ठीक है सो सिम्पैथेटिक ऑफ्थल्माइट ठीक है यंग ये ध्यान से देखा करें कि इंजरी किस में हुई है और मसला किस में चल रहा है आइज को ध्यान से देखा करें यंग फीमेल ऑफ फोर्टी ईयर्स प्रेजेंट्स विद एक्सल प्रोप्टोसिस फॉर फाइव मंथ्स सी टी स्कैन एडवाइज बाई दर्मोर्मोलॉजि रिलीव्ड रिवील्ड दिनार्जमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑकल मसल्स तो ये किस में होता है थायरॉयड में ठीक है इनलार्जमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स थायरॉय थर्मोटोपैथी इंटर ऑफ फोर्टी ईयर्स गॉड विक्ट फ्रेश टाइम लाइम गेटिंग इन आई ये वही वाला है जिसमें हम इरीगेशन करते हैं सिड्रोसिस किस लिए होता है आयरन की वजह से कॉमन कॉज ऑफ सिम्पथैटिक ऑफ थर्मा ऑफ थर्माइटिस क्या होता है पर्फरेटिंग इंजरी होती है हमने पहले भी पढ़ा है कि पोफरेटिंग इंजरी की वजह से सिम्पेटिक ऑफ थर्माइटिस होता है चैलकॉसिस इन द कंडीशन जिसमें कॉपर होता है ठीक है उसके बाद है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्रोटोसिस यंग लेडी इज इज़े यंग लेडी है उसके अंदर कॉमनेस्ट कॉज यूनिटरल प्रोटोसिस की क्या होगी थायरोटॉक्सिकॉसिस तो एक बायोलेट्रल चीज़ होती है और मेटास्टेटिक डिपोजिट्स की वजह से कोई प्रोप्टोसिस नहीं होती मैनजीमा ये ज़्यादातर बच्चों में कॉमन होता है और ऑर्बिटल सेलोलाइटिस और ट्रोमा ट्रोमा तो ये ज़्यादातर जो है मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है तो ऑर्बिटल सेलोलाइटिस हो सकता है यंग लेडी में ठीक है so, उसके बाद हम देखते हैं यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस का है ठीक है ये भी ध्यान रखना है आपने इन चिल्ड्रेन द कॉमन एसोसिएशन ऑफ द ऑर्बिटल सेरोलाइटिस क्या होगी पैरानिजल साइनसाइटिस हमने पहले भी डिस्कस किया था स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर आपको पता है इसके साइनस वेनासाइनसबोसिस डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है ऑर्बिटल सेरोलाइटिस की सरिबल इन्वॉल्वमेंट पहले किया है वैन द आई इज इजमीडियली रोटेटेड प्राइम डिप्रेसर मसल ऑफ द आई अच्छा तो ये होता है कि जब आई जो मीडियली रोटेट करती है तो प्राइम डिप्रेसर ऑफ द आई बॉल क्या होता है प्राइमरी पोजिशन में तो हमारा डिप्रेसर इन्फीरियर एक्टिस होता है ना ठीक है और जो हमारी होती है मीडियली रोटेट हुई हुई है आई बॉल तो फिर क्या होगा सुपीरियर ओब्लिक होता है सुपीरियर ओब्लिक भी हमारी आई को नीचे मूव करवाता है ना तो वो बता रहे हैं कि मीडियली रोटेशन हुई हुई है आई बॉल की तो फिर प्राइमरी डिप्रेसर क्या होगा सुपीरियर ओब्लिक प्राइमरी पोजिशन में बिल्कुल जब हम सीधे देख रहे थे तो फिर इंपीरियर एक्ट्रेस हम नीचे मूव करवा रहा था ठीक है एक्शन ऑफ सुपीरियर एक्ट्रेस ये मेरे हाल से स्कुंड के आना शुरू हो गए हैं सारे अच्छा तो सुपीरियर एक्टर्स जो होता है ये क्या करवाता है ये एलिवेशन करवाता है ये तो आपको पता है एलिवेशन करवाता है ठीक है और ये क्या करवाता है इसमें से इन्होंने कोई आंसर मुझे लग रहा है सही नहीं दिया हुआ सुपीरियर रेक्टस ये है ना सुपीरियर रेक्टस हाँ सुपीरियर रेक्टस क्या करता है सुपीरियर रेक्टस हमारा एक तो ये एलिवेशन करवाता है ना दूसरा ये इंटॉर्जन करवाता है ठीक है ये तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ है बाकी ये एडक्शन करवाता है सुपीरियर रेक्टस ठीक है एडक्शन करवाता है इसमें से मुझे कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा ठीक है इन्होंने लगता है यहाँ पे एडक्शन लिखना था तो डिप्रेशन लिख रही है इस वजह से बी किया हुआ है ठीक है तो एडक्शन होना चाहिए यहाँ पे और एडक्शन आपने याद रखना है कि जो हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर एक्ट्रेस होते हैं दोनों एडक्शन करवाते हैं ठीक है एलिवेशन डिप्रेशन का तो आपको पता है सुपीरियर एक्ट्रेस इंट्रॉलियन करवाता है और इंफीरियर एक्ट्रेस जो होता है ये एक्सटोरियन करवाता है सेवेंटी ईयर्स ओल्ड लेडी हु टेकिंग ओरल ओरॉइड्स फॉर जॉइंट पेन प्रेजेंटेड विद द एक्सक्रूशिएटिंग पेन वाटरिंग फोटोफोबिया इन द लेफ्ट आई फॉर टू डेज और एग्जामिशन लिड एडेमा मिला मैकलोपेपुलर डाइश लेफ्ट आईड आई लिट पर मिली पे और टिप ऑफ द नोज पे इन द डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट डिवीजन ऑफ दोज की मोसिस पंक्टेड स्टेंग ऑफ द कॉर्निया मोस्ट प्रॉबल डाइग्नोसिस इज तो ये उन्होंने ये बताया हुआ स्टीरोड्स ले रहा था और अब उसे बहुत ज़्यादा पेन है अब स्टीरोड्स की वजह से क्या हुआ था वो जो हर पीज़ छुपा हुआ था ना वो एक्टिवेट हो गया था और उसकी वजह से उसने क्या करवाना शुरू कर दिया उसी तरह आईलेट्स की प्रॉब्लम शुरू कर दी ट्राइट जमुना लर्व की जो डिवीजन थी वहाँ पर उसने सैकल्स वगैरह बना दिए ठीक है और रैश वगैरह करवा दी और वहाँ पे पेन तो ये हर पीज हॉस्टर ऑफ थेलमस है इट इज़ एक्चुअली टेकन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉर्निया ठीक है प्राइमरी पोजीशन में प्राइमरी एक्शन ऑफ एक्टर्स क्या होता है एलिवेशन ठीक है मैंने आपको पहले बताया था वोटिकल रैक्टाया फॉम एन एंगल विद ऑप्टिकल एक्सेस रैक्टाए होते हैं हमारे मसल्स ऑप्टिकल एक्सेस इसमें होता यह है कि जब आपका यह ऑप्टिकल एक्सेस है ना फॉर एग्जाम्पल ठीक है इसके साथ साथ हमारा जो एंगल बनता है ना सुपीरियर रैक्टस का ठीक है और इन्फीरियर रेक्टस का ये किसके कितना बनता है ये बनता है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थ्री डिग्रीज का ठीक है ट्वेंटी थ्री डिग्रीज का एंगल बनता है और जो हमारे होते हैं ना उब्लिक्स ठीक है न, uh, obliques, ओब्लीक्स का जो एंगल बनता है वो फिफ्टी वन डिग्री बनता है विद द ऑप्टिकल एक्सिस ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने रेक्टाई का पूछा हुआ है तो रेक्टाई के जो एंगल बनता है वो आपके चैप्टर में भी लिखा हुआ कि ट्वेंटी थ्री एंगल ट्वेंटी थ्री डिग्री का बनता है रेक्टाई का सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस का ट्वेंटी थ्री डिग्री का एंगल विद द ऑप्टिकल एक्सिस दीज आर द फॉलोइंग कार्डिनल पोजिशन ऑफ द गेज तो सिक्स पोजिशन होती हैं कार्डिनल पोजिशन ठीक है एक होती है लुकिंग राइट right, एक होती है लुकिंग लेफ्ट एक होती है कि हम ऊपर और राइट साइड पे देखें एक होती है हम लेफ्ट लेफ़्टाइड पर ऊपर देखें एक होता है हम राइट साइड पे नीचे देखें और एक होता है हम लेफ़्ट साइड के नीचे देखें ठीक है सारी सिक्स पोजिशन होती हैं राइट सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है जी ये इसके साथ इन्होंने ऐड किए हुए हैं एक्शन ऑफ सुपीरियर राइट सुपीरियर ओब्लिक मसल जो होता है वो क्या करता है अच्छा राइट सुपीरियर ओब्लिक है ये क्या करेगा इसमें हम ये आंखें बना लेते हैं दो ठीक है इसमें देखें क्या होगा दिस विल बी द लेफ़्ट आई एंड दिस विल बी द राइट आई ठीक है अब हमने देखना कहाँ पे लेफ़्ट साइड पे नीचे देखना है हमने ठीक है तो लेफ़्ट साइड पे जब हम नीचे देखते देख देख दे हैं तो हमारी दोनों आंखें इस तरह नीचे देख रही होती है ना अब होगा क्या कि हमारी जो लेफ़्ट साइड की आंख है ना वो आ, क्या हुई है? वो abduct हुई है, है? वो एबडक्ट हुई हुई है ठीक है और राइट साइड की मैं दोबारा बनाया वो हिल गया था अच्छा अब ये जो है यहाँ पे ये एबडक्ट हुई हुई है इस साइड पे तो ये क्या हुई हुई है यहाँ पे राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे इसने ये अडक्ट हुई हुई है और ये क्या हुई भी है? हुई भी है एडक्ट हुई हुई है ठीक है अब होता क्या है कि जो मैंने आपको बताया था कि जब हमने लिवो डिप्रेशन करनी होती है मीन्स के लेफ़्ट साइड पे नीचे देखना होता है तो जो होता है ना एडक्टेड पोजीशन में जो चीज़ हमें नीचे मूव करवाने में हेल्प कर रही होती है वो हमारा होता है सुपीरियर ओब्लिक ठीक है और जो होती है एबडक्टेड पोजिशन में नीचे मूव करवाने वाली वो होता है इंफीरियर एक्टस ठीक है तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड का लेफ्ट साइड का जो होगा वो हमारा इंफीरियर रेक्टस होगा और राइट right साइड का क्या होगा सुपीरियर ओब्लिक होगा जो हमें नीचे मूव करवाएगा तो राइट सुपीरियर ओब्लिक क्या करेगा यहाँ पे लीवर डिप्रेशन करवाएगा ठीक है और लेफ़्ट साइड का जो सुपीरियर जो होगा लेफ्ट साइड का जो हमारा होगा इन्फीरियर एक्टर्स वो वहाँ पर लीवर डिप्रेशन करवा रहा होगा ठीक है तो ये बात होती है उसके बाद आता है हमारा एटीन ईयर्स ओल्ड बॉय कम्स टू द आई कैजुअलिटी विद हिस्ट्री ऑफ इंजरी विद अ टेनिस बॉल एग्जामिनेशन पे हमें कोई परफोरेशन नहीं मिली लेकिन हाई फीमिया मिला है तो मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ ब्लड क्या होता है इसका आर्टीरियल सर्कल सर्कल ऑफ़ आयरिस ठीक है आयरिस के इर्द गिर्द जो मेजर आर्टीरियल सर्कल होता है वो करता है ये ठीक हो गया उसके बाद है यंग चाइल्ड Of nine years, present to the ophthalmologist with a fever for the last two weeks. or left eye, uski tender hai, infection jo hai, wo anterior to the orbital septum hai. To anterior to orbital septum, septum kya hota hai? Orbital pre-orbital cellulitis hota hai, or posterior to the orbital septum kya hota? Orbital sep, 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 orbital cellulitis. To the kya cellulitis hota.